नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सभी दलीय प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सड़क पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रश्मि जायसवाल ने भारी लाव लश्कर के साथ आज सड़क पर उतरकर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रश्मि जायसवाल का रोड शो माल गोदाम स्थित पार्टी कार्यालय से ट्रांसपोर्ट चौराहा, गिरिगंज, घंटाघर, तामसेनगंज और लालबाग चौराहे से होता हुआ उनका रोड शो वापस पार्टी के माल गोदाम स्थित कार्यालय पर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि रश्मि जायसवाल समाजवादी पार्टी से नगर पालिका परिषद की चेयरमैन भी रह चुकी हैं और उनके ससुर राधेश्याम जायसवाल 3 बार चेयरमैन रहे हैं और 4 बार सदर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। सबसे दिग्गज नेताओं में राधेश्याम जायसवाल का नाम आता है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर लोग लड़ाई में मानते हैं और उनसे सीधी टक्कर को लेकर सभी दल के लोग उनसे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का मुजाहिरा इस तरीके से पेश किया, सड़कों पर उतरकर नगर पालिका परिषद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रश्मि जायसवाल और उनके पति सचिन जायसवाल ने लोगों से वोट मांगे और उनके साथ गाजे बाजे के साथ महिलाओं का भारी हुजूम। आप देख सकते हैं कि हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर नारेबाजी करता हुआ सीतापुर की सड़कों पर उतरा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी ने आज अपना टेम्पो हाई किया और आपको बता दें इस दौरान पूर्व विधायक और निवर्तमान चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जनता का प्यार है, जनता समाजवादी की तरफ भारी मतों से रश्मि जायसवाल को जिताने का प्रयास कर रही है और प्रशासन से हमें अपील करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव करा दें। पोलिंग वाले दिन कोई किसी किस्म की कोई उपद्रव या कोई बूथ कैप्चरिंग इत्यादि इनकी करने की प्लानिंग है भाजपा वालों की, ये ना होने पाए, यही अपील है हमारी। और जनता से अपील है कि जनता जिस तरीके से उमड़ रही है उस तरीके से लगता है कि भारी मतों से जनता हमको चुनाव जिताएगी। आने वाली 4 तारीख को हरे बैलेट पेपर पर रश्मि जायसवाल का चुनाव निशान साइकिल है, 2 नंबर खाने पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, यही आप सबसे प्रार्थना। आपने सुना राधेश्याम जायसवाल ने निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। अब हम आपको समाजवादी पार्टी की सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रश्मि जायसवाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की आज पैदल यात्रा हम लोगों ने मार्केट में पूरी करी है, जिसमें हमारे साथ अपार जन समूह रहा, काफ़ी बाहरी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे संग इतना जन सैलाब रहा कि उसको देखकर विरोधियों के भी खेमे में एकदम हलचल मची हुई है और जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग हमसे आके जुड़ रहे हैं, अपार सहयोग मिल रहा है। जनता से हम बस आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में लोग पहुँचे और साइकिल वाले खाने पर मोहर लगा के हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और रश्मि जायसवाल को सुनने के बाद आपको छोड़ जाते हैं समाजवादी पार्टी के उस रोड शो के बारे में जो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से उतर कर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चूँकि प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति दिखाई और जिसके जरिए अपने टेम्पो को बनाने का काम किया, तो आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं उन झलकियों पर जो रोड शो समाजवादी पार्टी का है उसको देखिए।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।